इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थरहित पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग